किस चीज का जन आक्रोश है? शिवराज सरकार की नीतियां, गलत तरह के जो वायदे हैं जिनसे जनता बहुत भ्रमित है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे आदिवासी अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, गरीब दलित आदिवासी किसान सभी लोग पीड़ित हैं, इसको लेकर जनता को किस चीज़ पर जन आक्रोश है? सिवनी की जनता को, सिवनी के विधायकों ने जो लगातार बीजेपी के हैं पिछले 35 सालों से लगातार जो झूठे वायदे किए हैं और उन झूठे वायदों के चलते जो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, इसके चलते जनता में भारी आक्रोश है और इसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। सियूनी लाइव में आज हम खड़े हैं कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा को कवर करने के लिए फुलारा में। यहां पर हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता लोग हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के उड़े पानी मंडल अध्यक्ष जोएब खान हैं, अनीश बघेल हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जब्राइल अंसारी हैं और हमारे साथ पूर्व पार्षद रंजीत यादव जी हैं और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे बात शुरू करूं, किस चीज़ का जन आक्रोश कांग्रेस किस चीज़ का जन आक्रोश दिखा रही है? 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता को, किसानों को, मजदूर को, छात्रों को, युवाओं को ठगा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, झूठ बोल बोल के प्रलोभन दे दे के। जैसे अभी एक नई नई योजना ला रहे हैं, 18 साल बाद इनको आज लाडली बहना याद आ रही है। इन सारे चीज़ों को लेके एक आक्रोश है, आम आदमी में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, वही यही जन आक्रोश है। मैं आपसे पूछूंगा, क्या है जन आक्रोश? जन आक्रोश रैली है एक, हाँ। जो कि हरदा से निकली है जी। ये 18 साल में जो घोटाला हुए हैं जी, उनका सबका वो जो भी वो है निराकरण, वो उसके लिए। अच्छा जोए भाई, आप बताइए क्या है जन आक्रोश? देखिए भाई, ये जन आक्रोश यात्रा जो है हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य भी जो है, जो 18 साल के 50% कमीशन की सरकार ने जो 18 साल में भ्रष्टाचार किया है, जो किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया है, उसके खिलाफ में ये आज ये जन आक्रोश यात्रा है, पूरे जन जन की यात्रा है ये, और इसका प्रत्येक मध्य प्रदेश का जो नागरिक जो गवाह है वो इसके साथ है और इनके खिलाफ है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, उसकी यात्रा है। आप बताइए किस चीज़ का आक्रोश, थोड़ा सा ऐसा आ जाइए, किस चीज़ का आक्रोश? आज जो भाजपा सरकार द्वारा लगभग 18 वर्षों से आम नागरिकों को झूठे आश्वासन देकर, झूठी घोषणाएं करके छला गया है, उस चीज़ के ये जन आक्रोश है। महिला है, एक सिंगल महिला है, मैं इनसे भी पूछ लूँ, महिलाओं के लिए क्या है जन आक्रोश? आज तक इन वर्षों जब से प्रधानमंत्री बने हैं अपने नरेंद्र मोदी शिवराज चौहान जी, तब से आज तक महिलाओं की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 1000 रुपये दे करके कहते हैं सारी चीज़ों की ज़रूरत ही पूरी हो जाएंगी, संभव है, और जो लोग विधवा हैं उन्हें सिर्फ 600 रुपये पेंशन मिल रही है। इसमें क्या कोई विधवा अपना पूर्ति कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है? जन आक्रोश माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जी। और केंद्रीय नेतृत्व में हाँ। पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा चल रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 18.5 साल में राशन दुकानों से गेहूं गायब हो गया, मिट्टी तेल गायब हो गया। हमारे माननीय कमलनाथ जी 100 रुपये 100 यूनिट में बिजली दे रहे थे और बराबरी दे रहे थे, छोटा बड़ा अमीर सबको मिल रही थी। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी छाई हुई है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और जैन साहब के नेतृत्व में सिवनी जिले में जन आक्रोश यात्रा कुछ समय बाद पहुंच रही है। फिलहाल हम फुलारा बॉर्डर पे हैं। जन आक्रोश ये है साथियों के राशन दुकानों से गेहूं गायब हो गया, मट्टी के तेल को लोग पहचान नहीं पा रहे, 120 रुपये हो गया। कांग्रेस सरकार में 2-3 रुपये लीटर मिलता था, महंगाई चरम पर है, इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा है और निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे असल में जन आक्रोश यात्रा जिनके नेतृत्व में आ रही है, सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो आ गए हैं। हम आगे कवर करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Thank you.
भारतीय जनता पार्टी का आज एक भी विकास कार्य, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मंच से बोलता हूँ कि समय भी तुम्हारा, मंच भी तुम्हारा और दिन भी तुम्हारा। तुम बताओ हमें तुमने कौन सा काम सिवनी विधानसभा के लिए किया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये बात हमें प्रमुखता से हर बात को बताना चाहिए कि सिवनी जिले में सिवनी हर एक परेशान है। किसानों से जो वादे किए गए थे, नौजवानों से जो वादे किए गए थे, गरीबों से जो वादे किए गए थे, वो वादे ना तो नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं और ना शिवराज सिंह चौहान ने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पे इन्होंने निकाली है, ये दरअसल भाजपा की विधायी यात्रा थी। इनको प्रायश्चित करने के लिए आना था और कांग्रेस का आना तय है, कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। हमारे सिवनी में बताते हैं कि जरा शेर व शायरी लोग करते हैं, तो हम अपने भोपाल के एक शायर की बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुनसिफ है तो ये दौरे सितम बदलेगा। साथियों, भाजपा का दौर जा रहा है, कांग्रेस का दौर आ रहा है।